चित्तौड़गढ़ में जिला परिषद द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार आयोजित करवाई जाने वाली खेलकूद प्रतियोगिता इस वर्ष भी करवाई जाएगी। शहीद रूपा जी करपा की शहादत के लिए 100 वर्ष पूर्ण होने पर बेगू तहसील क्षेत्र में कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 18 मई तक किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने कहा कि शहीद रूपा करपा की शहादत की स्वर्ण जयंती पर आयोजित होने वाली वृहद स्त्री वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता में 299 ग्राम पंचायतों की टीमें भाग लेगी, जिनमें करीब 6000 खिलाड़ियों के भाग लेने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विजेता टीम को 5 लाख रुपए, द्वितीय टीम को 3 लाख रुपए, तृतीय टीम को 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार और शील्ड प्रदान किए जाएंगे, जबकि अन्य टीमों को भी नगद पुरस्कार और शील्ड प्रदान किए जाएंगे। धाकड़ ने बताया कि 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के दौरान सायंकाल सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाएंगे। प्रतियोगिता की तैयारियां की जा रही है। साल जिस प्रकार कबड्डी का महाकुंभ करा करके 299 पंचायतों के 2,990 खिलाड़ियों को बुलाया गया, इस बार 299 ग्राम पंचायतों के प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10-10 खिलाड़ियों की 2 टीमें कबड्डी और वॉलीबॉल की, जिनको जिला परिषद की तरफ से और सौजन्य से किट वितरण भी किया जाएगा और प्रत्येक खिलाड़ी वहां पर भाग ले और नॉकआउट दौर पर 10-10 खेल मैदान बनाए जाएंगे, जिसमें कबड्डी के 10 मैदान अलग होंगे, वॉलीबॉल के 10 मैदान अलग होंगे और उनकी विजेता और उपविजेता टीमों को और तृतीय स्थान पर रहने वाली टीमों को, प्रथम रहने वाली टीम को 5 लाख रुपये जिला परिषद कोष से, 3 लाख रुपये द्वितीय को और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 2 लाख रुपये जिला कोष से कबड्डी और वॉलीबॉल दोनों में अलग अलग प्रदान किए जाएंगे, तथा नकद प्राइज के रूप में 31,000 रुपये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 21,000 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 11,000 रुपये नकद पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। प्रतियोगिता 18 मई से प्रारंभ होगी, जिसमें जिले की 299 ग्राम पंचायतों की 2 टीमें भाग लेंगी। कहाँ से कहाँ पर आयोजित होगी? 14 मई से 18 मई बेगू तहसील में बहुरिया और बलवंत नगर गाँव में आयोजित की जाएगी, जो 14 मई से 18 मई तक आयोजित होगी। चित्तौड़गढ़ से रेखा खादिया की रिपोर्ट।